मुंबई पुलिस ने आज रिपब्लिक मीडिया के एक एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के लिए बुलाया गया था इस एम्प्लॉय को और ये एम्प्लॉय भी अपनी पूरी हिफाजत के साथ गया था, एंटीसिपेटरी बेल लेकर गया था, लेकिन उसके बावजूद इस एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लिया गया। ये वो एम्प्लॉय है जिसने सुशांत सिंह राजपूत केस को बहुत कवर किया। कंगना रनौत का जब बंगलो टूटा था तब भी वो वहां पर थे और रणवीर और दीपिका जब एयरपोर्ट से उनके घर पर जा रहे थे तब भी वो ये पूरी रिपोर्ट को कैप्चर कर रहे थे। प्रदीप भंडारी जिनको ऑलरेडी मुंबई पुलिस ने समन किया था और खार पुलिस स्टेशन में आकर मिलने को कहा था, आज प्रदीप भंडारी खार पुलिस स्टेशन गए। वहां पे पुलिस ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की और उसके बाद इलीगल तरीके से उनको डिटेन किया, उनको वहीं पुलिस स्टेशन में रोक दिया। प्रदीप भंडारी ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने उन्हें इलीगल तरीके से वहां पर रोका हुआ है। उनके पास एंटीसिपेटरी बेल है, उसके बावजूद उन्हें अरेस्ट जैसा किया जा रहा है। इसके अलावा उनके फोन को भी जब्त करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चलकर मुंबई पुलिस ये कदम उठा रही है, ये बात प्रदीप भंडारी ने शेयर की है और कहा है कि ये सब खार पुलिस स्टेशन में हो रहा है, सब कुछ जल्दबाजी में इमरजेंसी में किया जा रहा है। प्रदीप भंडारी के इस ट्वीट पर उन्हें जनता का काफी सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है, ये तो गुंडा राज है, क्यों नहीं महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करते हैं। इतने महीनों से लोगों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल खुन्नस निकाली रही है, क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक यूजर लिखता है कि देश में महाराष्ट्र के ऊपर और मुंबई के ऊपर कोई है ही नहीं क्या, अर्नब कंगना और प्रदीप भंडारी के पीछे पड़ रहे हैं, जो असली इश्यूज है उस पर तो आंखें बंद करके बैठे हैं। बाढ़ से लोग परेशान हैं, किसान बेहाल है, ये काम देखो ना, वेरी शेमफुल। कुछ इस तरह से ट्विटर पर प्रदीप भंडारी को भारी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब रिपब्लिक मीडिया के किसी एम्प्लॉय को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया हो। इससे पहले भी तीन लोग जो मुंबई के एक पॉलिटिशियन के फार्म हाउस पर एक रिपोर्ट के लिए छानबीन करने गए थे, वहां से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उनका कैमरा भी जब्त कर लिया गया था और अब एक बार फिर से वार मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिपब्लिक मीडिया पर। क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।